हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मेरे प्रीवियस व्लॉग्स देख रहे होंगे, कुछ दिनों से बिजी चल रहा हूँ। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आज मैं हूँ फिर से पपीते के पत्ते लेने के लिए आया हुआ हूँ किसी बाग में। अभी टाइम हो रहा है 12:30 का टाइम है। पपीते के पत्ते का रस सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा कवर करता है जो डेंगू के पेशेंट हैं उनके लिए। तो जिस जगह पे मैं आया हूँ, ये हनुमानगढ़ रोड पे एक बाग है, अमरूद का बाग है। और जिस टेंट के नीचे मैं हूँ, ये है जब ये किन्नू का सीज़न चलेगा तो यहाँ पर ग्रीडिंग होती है ना, प्लांट है ये। तो इस प्लांट में मैं आपको दिखाता हूँ, मशीन्स लगी हुई हैं। ये देखो, ये वाली मशीन लगी हुई है। तो इससे किन्नू की ना ग्रीडिंग होती है, मतलब बड़े वाला, छोटे वाला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से साइजेस मतलब में वो डिवाइड हो जाता है। तो उसके बाद अलग अलग पैकिंग होती है उसकी, फिर उसी हिसाब से वो जाता है। देखो ये अभी ना कुछ पड़े हैं पिछले साल के, ये देखो इस तरह से ऐसे ग्रेडिंग होती है। फिर उसी हिसाब से यहाँ से ये मोटर लगी हुई है, यहाँ से ये साफ़ होता है। साफ़ होने के बाद फिर यहाँ पर आता है, यहाँ से वो अलग हो जाता है। अलग अलग इस तरह से पैकिंग्स में पैकिंग हो जाती है, अलग अलग कैरेट्स पड़े होते हैं, पैकिंग हो जाती है। तो ये पूरा अभी सेटअप होना है। तो जब ये किन्नू का सीज़न चलेगा तो मैं व्लॉग ज़रूर बनाऊंगा, दिखाऊंगा आपको खेत में किन्नू कैसे लगता है और किस तरह से ग्रीडिंग होती है। आज फिर सोच रहा था कि चलो कुछ अच्छा सा दिखाऊं आपको, लेकिन ये जस्ट आप देख सकते हो, ये क्रेट है, ये क्रेट्स हैं। इन क्रेट्स में पैकिंग होती है। जैसे आप जूस पीते हैं ना, जैसे अलग से आप देखते हो कि ट्रॉपिकाना के या फ्रूटी के, कई बार आप मैंगो के और संतरे के जूसेस पीते हैं, वो बेसिकली छोटा होता है किन्नू, वही ट्रक में भर के ले जाते हैं, फिर उसके बाद उसकी उसका वो जूस बनता है। और मार्केट में जो दूसरा जो किन्नू होता है वो अलग से बिकता है, 30-40 रुपीज़ के हिसाब से जो आम मार्केट्स में मिलता है, वो एक अलग है। लेकिन जो जूसेस के लिए होता है वो छोटा साइज़ होता है, इतना इसको केयर बोलते हैं कि। तो चलिए, वो चीज़ें तो मैं आपको दिखाऊँगा आगे चल के, फिर कभी मतलब फिर कभी नहीं, जैसे जैसे सीज़न आ रहे हैं तो उसी हिसाब से, सीज़न के हिसाब से मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैंने एक लड़के को भेजा हुआ है वहाँ पर, वो पपीते के पत्ते तोड़ने के लिए गया हुआ है। एक पत्ता लेके आया था, मैंने कहा चलो एक पत्ता और ला दे यार, 2 दिन निकल जाएंगे आराम से। तो जो पपीते का रस है ना, वो बेसिकली डेंगू का जो इन्फेक्शन है या जो भी वायरस है उसको ख़त्म करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है डेंगू के पेशेंट, अगर कोई डेंगू का पेशेंट है पूरे इंडिया में कहीं पे भी, अगर आपको पपीते के पत्ते मिलते हैं तब भी, या कनक या जो वीट है, वीट को उगाने के बाद जो उसके पत्ते निकल, जब वो एक छोटा सा पेड़ बन जाता है उसको पीसते हैं, उसके पीसने के रस से भी, और इसके अलावा गिलोय का जूस बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उन सभी को बता देता हूँ कि डेंगू के पेशेंट हैं जो, उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। कोशिश करेंगे तो डेंगू का जो इन्फेक्शन है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, और आप डॉक्टर के पास जाने से बेटर है कि आप होम्योपैथिक दवाई जरूर लीजिए, क्योंकि उससे वो जड़ से ख़त्म कर देता है। तो यही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, बस ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट नहीं था। आप बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, अब तब तक जब तक लड़का आता है बैठ के व्लॉग बना लेते हैं। तो अब जब ये किन्नू का सीज़न जब शुरू होगा ना, तो इस सीज़न में बहुत मारा मारी होती है, ट्रक के ट्रक आते हैं, फिर ग्रेडिंग होने के बाद प्लांट में फिर उसकी वैरायटी बन जाती है, वैरायटी बनने के बाद फिर अलग अलग स्टेट्स में वो चला जाता है। जैसे नागपुर में संतरा होता है, हमारे यहाँ पर इस बेल्ट में, जिस बेल्ट में मैं रहता हूँ, यहाँ पर किन्नू की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। इस साल किन्नू थोड़ा कम है, लेकिन नेक्स्ट ईयर किन्नू बहुत ज़्यादा होगा। तो मेरे पापा भी काम करते हैं, बस उनकी रिटायरमेंट है फरवरी को, तो फरवरी के बाद करेंगे इस तरह के बिज़नेस। तो उसमें मैं भी हाथ बटाऊंगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि पार्ट टाइम काम ये भी कर लें, एजुकेशन सेक्टर के साथ साथ, ब्लॉगिंग के साथ साथ। तो यही मतलब हैं आजकल काम चल रहे हैं, तो प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ मुझे लगता है कि ये काम भी ज़रूरी हो गया है, कर लेंगे कोई बात नहीं। तो ये सब ही रहता है, बाकी जब ये किन्नू का सीज़न शुरू होगा तब मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से इनकी ग्रेडिंग होती है और किस तरह से किन्नू की मिठास होती है, जो अभी शुरू होने वाला है दिसंबर में। वैसे कई जगह पर शुरू हो चुका है, जो किन्नू जूसेस के लिए होता है वो अलग, और उनका वैसे काम चल गया है, जो जूसेस के लिए होता है, जो टेट्रापैक्स में आप जूसेस पीते हैं ना, जैसे ट्रॉपिकाना का हो गया, नेस्ले का हो गया, काफ़ी सारे जूसेस आते हैं मार्केट में। तो इस तरह से
जैसे एप्पल एपी फिज हो गया, तो ये जूसेस इन्हीं से ही बनता है। इनमें कुछ परसेंट पल्प होता है और वो पल्प जो होता है यहाँ से जाता है, यहीं से किनू जाता है। तो पूरे इंडिया में जितने भी ये पैकिंग वाले जूस होते हैं तो यहाँ से पैक होकर जाता है अलग अलग इंडस्ट्रीज में जहाँ पर बनता है। तो जब आएगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा आपको। ये पीछे जितने भी क्रेट्स पड़े ना, तो ये अभी देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे अभी वो गाड़ी खड़ी है, वो देखो गाड़ी खड़ी है, वो भी भरी हुई है, उसके पीछे भी पड़े हैं, वो उस तरफ साइड में भी हैं, काफ़ी सारे क्रेट्स पड़े हैं। तो ये सारे क्रेट्स तब ये यूज़फुल हो जाएंगे, तब ये किनुओं के लिए मतलब काम में आएंगे। एक दो साल मैंने काम किया था, मैं किनू के लिए रात के टाइम मैंने पापा के साथ हाथ बटाया था। पापा एक बार गए थे जालंधर के पास, कौन सी जगह, मैं नाम भूल रहा हूँ, जालंधर भी गए थे एक बार, एक बार पानीपत भी गए थे। तो इन मंडियों में जाके मतलब प्राइस अच्छा मिल जाता है, क्योंकि दूर रहता है, वो रहता है वहाँ पर, जहाँ पर ज़्यादा डिमांड होती है ना, तो डिमांड के हिसाब से फिर जाना पड़ता है। यहाँ लोकल तो काफ़ी कम प्राइस है हो जाता है, लेकिन जैसे बाहर लेके जाओ तो काफ़ी अच्छा प्राइस मिल जाता है। तो चलिए, वो लड़का आ गया है, मैं दिखाता हूँ आपको, वो लड़का लेके आ रहा है, आपको यहाँ से आएगा, वो लड़का पपीते के पत्ते लेके आ रहा है, तो थैंक यू बोलेंगे हम उसको। देखो दिखाता हूँ आपको, चलो थैंक यू तो कहना बनता ही है उसका। तो ये है लड़का जिसने मुझे पपीते के पत्ते दिए, इसको थैंक्स करना बनता है, थैंक यू वेरी मच। हाय कर दो एक बार ऐसे। इसका नाम है कुलदीप और ये इसी बाग में काम करता है। और कितने सालों से काम कर रहे हो? काफ़ी साल हो गए। कितने साल? फिर भी दो तीन सालों से यहीं पे काम कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो बाग है, मेरे कज़न हैं उनके फ्रेंड का बाग है, यहाँ पर उन्होंने लीज़ पे लिया हुआ है, अमरूद का और पपीते का जब भी सीज़न होता है तो उन्होंने लीज़ पे लिया हुआ है, तो इसलिए बस यहाँ पर ये काम करता हूँ। और कितनी सैलरी है तुम्हारी? 9,000 सैलरी है इनकी पर मंथ, और उसी हिसाब से ये काम करते हैं। और बाकी फ्रूट तो इनको मिल ही जाता है, यहाँ पर अमरूद है, पपीता है, और क्या क्या फ्रूट हैं? अमरूद है, तो लोग किन्नू आता रहता है, किन्नू आ जाता है प्लांट में। किन्नू कब से शुरू हो गया? बस चलने वाला है, चालू होने वाला, दिसंबर तक शुरू हो जाएगा, दिसंबर से लेके मार्च अप्रैल तक चलेगा ना। तो दिसंबर से ये किन्नू का सीज़न जो है शुरू हो जाता है और मार्च अप्रैल तक चलता है। हमने भी किन्नू का काम किया हुआ है, क्योंकि मेरे डैड करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, मेरे डैड ने भी, अब बस उनकी रिटायरमेंट के बाद उन्होंने ऐसे ही काम ही छेड़ने हैं, और फिर ग्रीडिंग भी चलेगी। ये ग्रीडिंग है, ये जब होगी तो मैं आपको इसका भी व्लॉग दिखाऊंगा किस तरह से ये ग्रीडिंग होती है, दिखाई दिया मैंने पहले। चलिए मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये मेन रोड है जो गंगानगर चौक अगला है, वो किसी अगले व्लॉग में मैं आपको दिखाऊँगा। ये वाला रोड गंगानगर जा रहा है, और ये वाला जो रोड है वो बेसिकली अबोहर के साइड से आ रहा है, आगे हनुमानगढ़ चौक है, और ये कनेक्ट करता है राजस्थान के साथ। बेसिकली ये मेन रोड है, हाईवे है, और ये पूरी तरह से गंगानगर को कनेक्ट करता है, राजस्थान से कनेक्ट करता है। तो हम लोग जो हैं राजस्थान बॉर्डर के ऊपर हैं, वहीं रहते हैं, और काफ़ी अच्छा इलाका है फ्रूट के मामले में। ये जो बेल्ट है बहुत ज़बरदस्त है, गर्मियों सर्दियों में हर तरह का फ्रूट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें तो आपको पसंद आई होंगी। तो चलिए फिर, अब ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करते हैं, अब हम घर पे भी जाना है दवाई लेने के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं, और मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में जब भी आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।